नमस्ते गाइस, राजेश यफा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक कैमरा कंपैरिजन Honor 9 Lite और Redmi Note 5 Pro के बीच में। दोनों ही 15,000 के लगभग की फ़ोन्स हैं और दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक ड्यूल कैमरा मिलता है पीछे, यहाँ तक कि Honor 9 Lite में तो आपको सामने भी एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलते हैं फ्रंट और बैक में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है, Redmi Note 5 Pro या Honor 9 Lite। आपके हिसाब से कौन सी फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा है, नीचे कमेंट ड्रॉप करिए और हमें जरूर बताइए। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है ड्यूल कैमरा सेटअप पीछे। इसका जो प्राइमरी सेंसर है वो एक 12 मेगापिक्सल का F2.2 शूटर है जिसमें 1.25 लार्ज माइक्रोन पिक्सल्स हैं, और जो सेकेंडरी सेंसर है वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है जो यूज़ किया जाता है पोर्ट्रेट मोड की फोटोज लेने के लिए। इस फोन में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, ऑटो HDR मोड भी नहीं है। फ्रंट में आपको मिलता है एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एक LED लाइट के साथ। Xiaomi ने मशीन लर्निंग और AI यूज करके फ्रंट कैमरा के लिए भी एक पोर्ट्रेट मोड दिया है। वहीं पे Honor 9 Lite की बात करें तो इस फोन में है क्वाड कैमरास, मतलब आपको इस फोन में मिलते हैं 4 कैमरास, सामने में 2 कैमरा, पीछे 2 कैमरा। सामने और पीछे की जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का एक सेंसर है और इसके साथ पेयर किया गया है एक डेप्थ सेंसर जो कि आपका पोर्ट्रेट मोड की फोटोज लेने के लिए काम में आता है। तो Xiaomi जहां पे मशीन लर्निंग यूज कर रहा है, वहीं Huawei अपने Honor 9 Lite के साथ एक डेप्थ सेंसर यूज कर रहा है पोर्ट्रेट सेल्फीज के लिए। दोनों ही फोन में रियर कैमरास में भी पोर्ट्रेट मोड है, पर जहां Huawei आपका एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यूज कर रहा है, वहीं पे Xiaomi एक 5 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर यूज कर रहा है। तो फाइनली अब हमारे कैमरा सैंपल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप इन फोटोज से देख सकते हैं, Redmi Note 5 Pro का जो कैमरा है वो Honor 9 Lite से बहुत ज्यादा अच्छा है हर एक मामले में, चाहे वो कलर रिप्रोडक्शन हो, सैचुरेशन हो, वाइट बैलेंस हो, डिटेल्स हो या फिर डायनामिक रेंज हो। ये डिफरेंस स्पेशली समझ में आता है लो लाइट में, जहां पे Honor 9 Lite से लिए गए फोटोज एकदम भी Redmi Note 5 Pro को टक्कर नहीं दे पाते हैं। कभी कभी Honor 9 Lite Redmi Note 5 Pro से थोड़े ज़्यादा अच्छे फोटोज ले लेता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम होता है। और ये मत भूलिएगा कि Redmi Note 5 Pro जो है वो अभी रिलीज हुआ है, तो Xiaomi जो है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस को थोड़ा और ट्वीक और इम्प्रूव ज़रूर करेगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के द्वारा अगले कुछ चंद महीनों में। Honor 9 Lite में फोकस इश्यूज भी है, जबकि Redmi Note 5 Pro को किसी भी कंडीशन में सब्जेक्ट पे फोकस करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इसमें भी 9 Lite कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाता है, आपको Redmi Note 5 Pro से ज़्यादा अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज मिलेंगे। और ये सिर्फ रियर ही कैमरा के लिए नहीं बल्कि फ्रंट कैमरा के लिए भी वैलिड है। 9 Lite की जो पोर्ट्रेट मोड है वो ना सिर्फ उतनी इफेक्टिव नहीं है पर ये उतनी अच्छी तरह से काम भी नहीं करता है। मुझे बहुत बार इस फोन को रीएडजस्ट करना पड़ा ताकि ये प्रॉपरली सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके और पोर्ट्रेट मोड उसे अप्लाई कर सके फोटोज में। ये है एक सैम्पल टेस्ट फुटेज Honor 9 Lite से शूट किया हुआ फुल HD रेजोल्यूशन में। ये है एक सैम्पल टेस्ट फुटेज Redmi Note 5 Pro से शूट किया हुआ इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। Redmi Note 5 Pro ये पहला फोन है Xiaomi का जिसकी कैमरा परफॉर्मेंस ने मुझे सच में बहुत इंप्रेस किया है। आपको क्या लगता है Redmi Note 5 Pro की कैमरा के बारे में, नीचे कमेंट ड्रॉप करें और हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।